टीकमगढ़ में जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि लॉकडाउन और कोरोना काल टैक्स पूरी तरह माफ किया जाए क्योंकि इस दौरान कोई कारोबार नहीं हुआ है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि कोरोना संक्रमण महामारी के कारण 22 मार्च से 30 जून 2020 तक का यात्री वाहनों का संचालन बंद रहा, अब इस अवधि का कर भी खत्म कर देना चाहिए। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में संगठन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उक्त अवधि में मोटर यान कर पूर्ण रूप से खत्म किया जाना जरूरी है। जनहित में श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए शासन द्वारा जो बसें अधिकृत की गई थी उनको कोई परमिट नहीं लगता है। उन्होंने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने के कारण भारत में दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में वाहन का व्यवसाय घाटे में जा रहा है, इसीलिए 50% यात्री बसों के किराए में बढ़ोतरी की परमिशन दी जाए। सर, हम लोगों का जो बस व्यवसाय जो है आज 3 महीने से लॉकडाउन में बंद किया गया और जिन वाहनों को लॉकडाउन के समय बंद किया गया उसका टैक्स माफ नहीं किया जा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा, हम लोगों की जब से देश में सात राज्यों ने 6 माह का टैक्स माफ कर दिया है और उसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट थी इंस्टॉलमेंट को 6 महीने अवधि बढ़ा दी है और ठीक है, मध्य प्रदेश में केवल एक ऐसा यही प्रदेश है जिसमें अभी तक बस ऑपरेटरों का टैक्स माफ नहीं किया जा रहा। परिवहन 35,000 बसें पूरे मध्य प्रदेश में परिवहन हो रही है, 35,000 बसों का जब 7 राज्य टैक्स माफ कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश कोई अनोखा राज्य तो है नहीं कि जिसका टैक्स माफ नहीं किया जा रहा है। तो हम लोगों की सर जायज मांग है कि आवागमन में अवरुद्धता की वजह से यात्री अलग परेशान हो रहे हैं, टैक्सियों में 4 गुना किराया लेके टैक्सी वाले संचालन कर रहे हैं और प्रशासन में हम लोगों की बात को किसी भी रूप में सुनने को तैयार है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।